हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं अगेन आप लोगों के साथ एक प्लम के प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं, क्योंकि प्लम का 9th बर्थडे सेल चल रहा था और उस पर से मैंने अच्छी खासी चीज़ें जो है वो परचेज की थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं उनको ट्राई करते हुए 1 मंथ हो गया है, तो ये राइट टाइम है आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करने के लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं स्किन केयर, मेकअप, हॉल रिलेटेड वीडियोज लेकर आती हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। तो प्लम का जब 9th बर्थडे सेल चल रहा था तब मैंने बहुत सी चीज़ें परचेज की थी, और प्लम में कुछ ऐसा सेल चल रहा था कि अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ परचेज रीच करते हो तो प्लम आपको एज अ बर्थडे गिफ्ट ये स्किन केयर डुओ जो है वो गिफ्ट करता है। और ये प्लम का क्लियर एंड ब्राइट स्किन केयर डुओ है। इसमें आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एक ग्रीन टी नाइट जेल और एक 2% हाइब्रिड सनस्क्रीन। तो ये लिमिटेड एडिशन और ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जो है वो इसमें डाले हुए थे। प्लम के प्रोडक्ट्स में नो एनिमल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके के मुझे पैकेजिंग में ये जो सनस्क्रीन है वो रिसीव हुआ था। काफी अच्छे से जो है सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है इस बॉक्स पर। आप देख सकते हो दोनों ही जो है इंग्रेडिएंट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन की हुई है और सारी ही चीजें बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। ये जो सनस्क्रीन है उसे जब से मैंने इसे रिसीव किया है तब से मैं रेगुलरली इसे यूज कर रही हूँ और ये बहुत हद तक यूज भी हो गया। सनस्क्रीन के बारे में बात करें तो इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल में आपको ये सनस्क्रीन मिल जाएगा। ये इनकी स्पेशल पैकेजिंग है। अगर ये 30 ml की बॉटल है, इसकी 50 ml की बॉटल भी आती है, लेकिन उसका पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट। अभी भी आई थिंक ये जो सेल है वो चल रहा है, तो इनकेस अगर आप ग्रैब करना चाहते हो तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लेना। तो इसकी पैकेजिंग जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत अच्छा सा स्टडी सा इसका कैप है, आपको पंप मिल जाएगा अच्छा सा, और बहुत अच्छे से जो है इसका एयरलेस जो है वो पंप है। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये जो है 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आता है, और इसमें जो है राइस वाटर एंड नायसिनेमाइड डाला हुआ है 2%। राइस वाटर और नायसिनेमाइड बेसिकली जो है हमारी स्किन को ब्राइटर करता है, हमारी स्किन पर जो डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करने में बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। नायसिनेमाइड तो एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट, मैं स्पेशली अपने स्किन केयर रूटीन में नायसिनेमाइड को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये 2 इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें डाला हुआ है, प्लस इसमें SPF 50 PA++ का सन प्रोटेक्शन मिल जाएगा। UVA और UVB दोनों ही रेस से जो है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको केमिकल और फिजिकल दोनों ही सन फिल्टर्स मिल जाएंगे। इसमें जिंक ऑक्साइड डाला हुआ है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला हुआ है, ये दोनों फिजिकल सन फिल्टर्स है जो कि बहुत अच्छे से हमारी स्किन को सन की जो हार्मफुल रेस है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो 100% वीगन प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छे से जो है ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूँगी। मैं पर्सनली ऑयली स्किन से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लाइटवेट चीज़ें, लाइटवेट प्रोडक्ट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये भी कुछ ऐसा ही सनस्क्रीन है। बहुत ज़्यादा लाइटवेट सनस्क्रीन है और बहुत अच्छे से स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और 100% नो व्हाइट कास्ट प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल ये जो प्लम का 2% नायसिनेमाइड सनस्क्रीन है ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आपकी ऑयली स्किन है डेफिनेटली आप इसे परचेज करो और यूज करो, बहुत अच्छे से स्किन को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को जो है वो ब्राइटर लुक देने में और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में बहुत अच्छे से काम करता है। ये एक सर्वगुण संपन्न सनस्क्रीन है, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी। तो डेफिनेटली अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हो तो आप भी इसे ट्राई करो। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर। आई होप ये रिव्यू वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।